हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिनी है और कुक विद मिनी में आपका स्वागत है। आज एक बोरिंग सी सब्जी जिसका नाम तोरई है, जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, उसकी एक टेस्टी सी और इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये रेसिपी आप एंड तक जरूर देखें, जिससे जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपसे मिस ना हो। यहाँ मैं 1/2 kg जितनी तोरी ली है और उसे इस तरह से पीसीस में मैंने कट कर लिया था, और इसमें बीच में से हमने इस तरह से स्लिट कर लेना है। अब साथ ही साथ यहाँ मैंने लिया है, यहाँ मैंने 3 टमाटर को बारीक चॉप करके लिया है, साथ ही साथ 3 अनियन को भी बारीक चॉप करके लिया है। यहाँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मैंने दरदरा पीस लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे कुक करना। यहाँ मैंने लिया है एक लोहे की कढ़ाई, आप कोई और कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ 4 to 5 tablespoons जितना कुकिंग ऑयल। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल हमारा हीट कर जाएगा, अब हम इसमें 1/2 tablespoon जितना जीरा डालेंगे। जीरा हमने अच्छे से भुनना है। अब हम इसमें दरदरा पीसा हुआ अपना जिंजर गार्लिक और हरी मिर्ची डालेंगे। इसे हमने धीमी आंच पर हल्का सा भुनना है। यहाँ पे मैं चॉप किए हुए अनियन डालूंगी और इसे डालकर भी हमें अच्छे से भुनना है, जब तक जो हमारे अनियन है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अनियन हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। हाँ, मैं 1/2 teaspoon जितनी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे मैं 1/2 tablespoon जितना रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसमें 1/2 tablespoon जितना सॉल्ट ऐड करेंगे। इसे डालने के बाद आपने अच्छे से एक बार भून लेना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे जो हमने बारीक चॉप करके लिए हैं, आप चाहें तो पेस्ट बनाकर भी यूज कर सकते हैं। इसे डालने के बाद हमने तब तक भूनना है जब तक हमारे टमाटर ऑयल रिलीज नहीं कर देते। जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं तब तक एक मसाले का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। एक बाउल ले लीजिए, उसमें मैं 1/2 tablespoon जितनी देगी लाल मिर्च डाल रही हूँ, साथ ही साथ यहाँ मैं 1/2 tablespoon जितना किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। अगर आपको किचन किंग का फ्लेवर पसंद हो आप तभी डालें। अब हम इसमें 1/2 tablespoon जितना आमचूर पाउडर डालेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे मैं 1 tablespoon जितनी सूखा धनिया पाउडर डाल रही हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे मैं 1 tablespoon जितना भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल रही हूँ। इसे डालने के बाद आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें 2 tablespoon जितना पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे आप अलग रख दीजिए। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, देखिए इन्होंने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। अब हम इसमें अपनी कटी हुई तोरी डालेंगे। ये भरवा तोरी बन रही है, लेकिन हम इसे ना ही भरेंगे और ना ही हम इसे तलेंगे। अब इसे डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसे तेज आंच पर आप भून लें, क्योंकि 5 मिनट हो चुके हैं, तोरी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब हमने इसे 10 मिनट के लिए ढककर पकने देना है। 10 मिनट हो चुके हैं, तोरी हमारी 50% तक कुक हो चुकी है। अब हम इसमें उस मसाले के पेस्ट को डालेंगे जो हमने बनाया था। इसे डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक हमारी जो तोरी है वो पूरी तरह से पक नहीं जाती और मसालों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से नहीं आ जाता। तो चलिए चेक करते हैं हमारी तोरी पक चुकी है या नहीं। वाह, बहुत ही बढ़िया ढंग से हमारी तोरी जो है वो पक चुकी है। देखिए, ना इसे हमें भरना पड़ा और ना ही हमने इसे तला है, लेकिन फिर भी ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम ऑफ करने से पहले इसमें खूब सारा हरा धनिया डालते हैं। बिना हरा धनिया के तो कोई भी सब्जी अधूरी है। अब हम इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो आप तभी डालें, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसे डालकर एक बार आप हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए और गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। तो लीजिए, रेडी है बहुत ही यमी एंड टेस्टी और झटपट से बनने वाली तोरई की सब्जी। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।